हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड यूनिट यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट यू कैन से, आज हम लोग इस लेक्चर में यूनिट थर्ड के, ठीक है, जिस यूनिट का नाम है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर वेजिटेबल एंड फ्रूट के MCQ, इम्पॉर्टेंट MCQ के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जो कि किस में आता है, बॉटनी में। ठीक है, अभी तक मैंने आपके साथ दो लेक्चर बॉटनी के हो चुके, ये थर्ड लेक्चर होगा यानी कि यूनिट नंबर थर्ड होगा। और मैंने प्रीवियस क्लास में जूलॉजी के एक लेक्चर का यानी कि यूनिट वन का आपके साथ मैंने MCQ को डिस्कस किया है। हम लोग आपके साथ 8 यूनिट यानी कि टोटल यूनिट जितने हैं आपके जूलॉजी में 8 यूनिट है, बॉटनी में 8 यूनिट है, 8 यूनिट के MCQ आपके साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ी 1x1 आपकी टाइमिंग होगी। एक बार आप लोग कन्फर्म करिएगा कि आप लोग BSc 4 सेमेस्टर में हैं, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ पे अगर MCQ एग्ज़ाम होगा, कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, इसकी एक बार हमको क्लियर कट अगर आपको डेट मालूम हो तो डेट प्रोवाइड कर दीजिए, या आपके पास जो अनुमान हो, ये एक्चुअली आपका अप्रैल लग गया, ठीक है, अप्रैल या मई में होगा या जून मई में लास्ट में होगा कि अप्रैल की लास्ट में होगा, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसके MCQ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर थर्ड आपने देख लिया। पहला क्वेश्चन आपसे फ्लावर से ही पूछ दिया गया है कि जो हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर जिसमें हम लोग डिफरेंट एग्रीकल्चर के विभाग में आता है हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम लोग प्लांट के सभी पार्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में, तो आपसे पूछा गया है कि जो हॉर्टिकल्चर होता है उसमें हम लोग फ्लावर की स्टडी, फ्लावर के बारे में किस विज्ञान के अंतर्गत जानते हैं, यानी कि किसके अंतर्गत जाना जाता है, उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं, यानी कि स्टडी या फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं या कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, यानी कि फ्लावर को कल्चर किया जाता है, उसको हम लोग किस विभाग में या फिर किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, वही देखिए, अगर आप अंगूर जानते हैं, ग्रेप्स की स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक है आपका साल्विक कल्चर, पहला दिया गया है। साल्विक कल्चर में हम लोग एक जंगल है, ठीक है, जंगल में कौन कौन से प्लांट है, ठीक है, उसका जंगल की स्टडी करते हैं। एक है आपका अर्बोरिकल्चर क्या होता है, इसमें हम लोग एक इंडिविजुअल ट्री के बारे में, इंडिविजुअल श्रब के बारे में, इंडिविजुअल हर्ब के बारे में, इन सब के बारे में, वुडी प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पूरे जंगल के बारे में, इसमें एक स्पेसिफिक प्लांट को, हर्ब हो, श्रब हो या वुडी ट्री हो। फ्लोरिकल्चर फ्लावर के बारे में, और विटीकल्चर के मतलब अंगूर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो आपसे फ्लावर के बारे में पूछा था, तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। आगे बढ़िए, फिर आपसे पूछा गया है द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दैट डील्स विद स्टडी या प्रोडक्शन ऑफ स्टोरेज प्रोसेस एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स आर नोन एज। ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया कि हम लोग किसके बारे में स्टडी करें, स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, तो इसकी स्टडी हम लोग देखिए किस में करेंगे, ओरियो कल्चर में, ओरियो कल्चर, ठीक है, ओलिरी कल्चर के बारे में, यहाँ पे हम लोग वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, जो भी स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, चारों तरफ वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है, फिर उसको मार्केट में सेल करना, ठीक है, सारी चीज़ का स्टडी करना किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग, ओरिली कल्चर के अंतर्गत। फ्लोरिकल्चर के मैंने अभी यहाँ बताया कि फ्लावर की स्टडी करते हैं। प्रोमो कल्चर में हम लोग फ्रूट की स्टडी करते हैं, और सेरी कल्चर में हम लोग रेशम जैसे कपड़ों का स्टडी करते हैं। आपको हमने हाइड्रोपोनिक पढ़ाया था कि हाइड्रोपोनिक क्या होता है,
सॉयल लेस कल्टीवेशन, यानी कि बिना सॉयल का हम लोग जब प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक नाम से या हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। तो यानी किसके अब्सेंस में हम लोग करते हैं, विदाउट सॉयल, सॉयल लेस कल्टीवेशन, बिना सॉयल के ही हम लोग जब प्लांट को कल्टीवेट करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे विदाउट यूजिंग सॉइल, बिना सॉइल के यूज के हम लोग प्लांट को कल्टीवेट करते हैं। और स्टूडेंट आपको हम बता दें, जब हम बीएससी कर रहे थे तो वहाँ पे हाइड्रोपोनिक था, तो हमने हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है इस पर हमने अपना जो है कि क्या कहते हैं कि वाइबा दिया था और काफ़ी अच्छा मार्क मिला था हमको वाइबा में, ठीक है। तो अच्छे से हमने हाइड्रोपोनिक की पूरी डायग्राम बनाया था, ठीक है, सारे चीज़ को, ठीक है, एक्युमुलेट करके एक चार्ट में लिखा था। तो वहाँ पे क्योंकि चार्ट से ही सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है तो हमने इसको बनाया था, ठीक है। चलिए आगे आपसे पूछा गया है द ब्रीडर सीड है, ब्रीडर सीड क्या होता है, गोल्डन येलो टैग होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, आपसे पूछा है कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो फ्रूट को पकने में मदद करता है। जैसे कच्चा फ्रूट है, ठीक है, आप चाहते हैं कि जल्दी से वो पक जाए, तो उसको हम लोग एथिलीन एक हार्मोन होता है प्लांट में, ठीक है, प्लांट में तो नेचुरली वो पाया जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि अलग से उसको हम लोग क्या करें, राइपेनिंग करें, जल्दी से पक जाए, तो उसके लिए हम लोग इथिलीन का छिड़काव करते हैं, ठीक। वही ऑक्सिन क्या होता है, ये रूट को बढ़ाता है। साइटोकाइनेस क्या होता है, सूट को बढ़ाता है। जिबरेलिन क्या करता है, ये भी प्लांट के हार्मोन की तरह है, ये भी उसमें प्लांट में, ये भी आप कह सकते हैं कि जिबरेलिक जो एसिड होता है ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी में कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है, तो देखिए पॉलीप्लाइडी में कॉल्चिसिन केमिकल का उपयोग करते हैं हम लोग, जो करता क्या है, क्रोमोसोमल डबलिंग का काम करता है। जैसे किसी प्लांट में अगर चार क्रोमोसोम है, अगर आप अगर आप कॉल्चिसिन जो कि प्लांट से कॉल्चिसिकम नोटेटम या कॉल्चिसिन ऐसे कुछ करके है, ठीक है, उस प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है कॉल्चिसिन को, ठीक है, अगर आप इस पर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं उस क्रोमोसोम पे, जो भी क्रोमोसोम है केवल प्लांट का क्रोमोसोम, उसमें अगर आप उसको ट्रीट कर देते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है, ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है, ठीक है। तो है पॉलीप्लाइडी, ठीक है, अगर इसे एक है, ठीक है, आप इसको कॉल्चिसिन से ट्रीट कर दिए तो एक से दो हो गया, फिर दो है आप इसको ट्रीट कर देंगे तो दो से चार, तो पॉलीप्लाइडी का काम ये करता है, ठीक है। चलिए एडिबल पार्ट ऑफ लीची जो होता है उसका एडिबल पार्ट कौन होता है, तो फ्लेसी एरिल यानी कि बीच का जो पार्ट होता है वो यूजफुल यानी खाने के योग्य होता है, ठीक है। चलिए जर्मिनेशन ऑफ सीड वाइल इट स्टिल रिमेन्स अटैच्ड विद द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड एज वीपी पेरी। इसका मतलब क्या है, ठीक है, जब प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, तो बीच में क्या होता है, सीड से जर्मिनेट करता है, ठीक, जब सीड से जर्मिनेट करता है तो आप देखेंगे जब सारा प्लांट जर्मिनेट करता है लेकिन सीड का एक पार्ट होता जो लगा रहता है, मतलब नई पास बन गई, जैसे ये सीड है, ठीक है, सीड से या रूट सिस्टम और शूट सिस्टम यानी कि जड़ और ऊपर तना पत्ती डेवलप हो रहा है, ठीक है, आप हिंदी में समझिए, तना पत्तियाँ ये सब निकल रही है, तो सीड क्या होता है, सीड से ही निकलता है, तो देखते हैं आप लास्ट में कि सीड का थोड़ा सा पार्ट उसमें टच रहता, बाकी सारे इंडोस्पर्म जो होते हैं वो प्लांट उसको ईट करके खा करके बड़ा हो जाता है, तो थोड़े से पार्ट उसमें बचा रह जाता है, तो उसको हम लोग विविपैरी के नाम से जानते हैं। कैबेज यानी कि जो पत्ता गोभी होता है, पत्ता गोभी कैबेज, ठीक है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो ब्रेसिका ओलेरिया
वार कैपिटेटा, ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम है। आपसे पूछा है कि फलों का राजा किसे कहा जाता है, भाई हम लोग बचपन से पढ़ते हैं आम को यानी कि मैंगो को फलों का राजा जाना जाता है। पूसा नन्हा, ठीक है, पूसा नन्हा एक पपाया की वैरायटी है, जो छोटी वैरायटी है, इसको म्यूटेशन के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। हम जब आप सिक्स सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन, सेलेक्शन, हेटरोसिस, म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें आपको बॉटनी में हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए, हाइब्रिडाइजेशन ये भी पढ़ाया है, सिलेक्शन भी पढ़ाया, हेटरोसिस भी पढ़ाया, म्यूटेशन भी पढ़ाया, तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना थोड़ा टाइमिंग टेकिंग है। ठीक है, अगर आप सिक्स सेमेस्टर में जब पहुँचेंगे तो आपको इजीली ही पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूसा मेजिस्टिक इज द वेराइटी ऑफ पपाया। अभी आपने देखा कि पपाया की एक वेराइटी थी, ठीक है, यहाँ पे देखा आपने पपाया की पूसा क्या है, पूसा नन्हा एक पपाया की वेराइटी है जो म्यूटेशन के द्वारा डिलीट की गई थी, और जो पूसा मेजिस्टिका है वो भी पपाया की वेराइटी है। चलिए, पपाया मीन्स क्या होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, जो मैंगो होता है उसको बॉटनी के नाम, जो आम होता है उसको बॉटनी के लैंग्वेज में हम लोग ट्रप के नाम से जानते हैं। ठीक, अब से पूछा गया आपसे कि एक ऐसे मैंगो का नाम बताइए जिसमें सीड नहीं पाया जाता है, तो उस मैंगो का नाम है सिंधु। ठीक है, सिंधु। चलिए, साइट्रस कैंकर, ठीक है, डिजीज इन लीमन इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए, कल्टीवेटेड स्ट्रा इज द ऑक्टोप्लाइडी। ठीक है, देखिए जो चीज़ें इजली है उसको हम बता दे रहे हैं, जो समझाने योग्य चीज़ें हैं उसको हम लोग समझ भी रहे हैं। ठीक है, बनाना जो मैंगो केला होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा उसमें डिजीज होता है बंचीटा डिजीज, जिसके कारण जो फ्रूट होते हैं वो कम लगती है और प्लांट भी छोटा रह जाता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी यानी कि कोई भी फ्रूट हो, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन का अगर फ्रूट से फ्लावर बन जा रहा है, सॉरी फ्रूट है, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्लावर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग पार्थिनोकार्पी के नाम से जानते हैं। देखिए पार्थिनोकार्पी कब होता है, जैसे प्लांट हाई टेम्परेचर हो गया तो डायरेक्ट जो प्लांट होता है उसमें फर्टिलाइजेशन ना होके डायरेक्ट वो फूड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पार्थिनोकार्पी हर लगभग गुआवा में भी देखने को मिलता है, मैंगो में भी देखने को मिलता है कभी कभी, कि जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो आप कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट कन्वर्ट, सॉरी तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जो मेल पार्ट उस फीमेल पार्ट होता है ना वो डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर बहुत सारे म्यूटेशन कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पार्थिनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्रूट का कन्वर्ट होना, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। चलिए आपसे पूछा है प्लाइडी लेवल इन बनाना। ठीक है, बनाना में प्लाइडी लेवल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी बीएससी सेमेस्टर तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्लाइडी लेवल इन बनाना, आप बनाना यानी कि बनाना में प्लाइडी लेवल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो बनाना होता है, ठीक है, उसमें 3N पाया जाता है। 3N मतलब समझ रहे हैं कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है, वो 3 गुना उसमें हो जाता है। ठीक है, चलिए फ्रूट टाइप ऑफ पाइन एप्पल, जो पाइन एप्पल होता है, पाइन एप्पल का मतलब समझ लिया आप लोग अनानास, जो अनानास होता है, ठीक है, उसमें जो फ्रूट का टाइप होता है वो कैसा होता है। ठीक है, यानी कि फ्रूट का टाइप से यहाँ से लिया गया इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है उसमें। इनफ्लोरेसेंस आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि जितने भी आपको फैमिलीज के बारे में हमने पढ़ाया था वहाँ पे इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ाया था,
मैंने वहाँ पे आपको वर्टिसलिस्टर, स्पाइडेक्स, ठीक है, नॉर्मल, बहुत सारे, ठीक है, साइथियम, बहुत सारे के बारे में आपको इन्फोर्सिस के बारे में बताया था। तो वही पूछा गया कि पाइनएप्पल में कौन सा टाइप पाया जाता है फूड का, तो सोरोसिस टाइप पाया जाता है। ठीक, चलिए, पूछा है कि जो पंजेंसी होता है, पंजेंसी जैसे जो रेडिश होता है, गाजर, गाजर आप लोग समझते हैं, तो क्या होता है उसमें वेटलाइन पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी वो पंजेंसी टेस्ट में आ जाता है। ठीक है, पंजेंसी थोड़े से कड़वापन आता है, कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है? ठीक है, वो आईसी, ठीक है, उसमें पाया जाता है आईसीओ साइनेट्स। ठीक है, आईसीओ साइनेट्स पाया जाता है, जिसके कारण उसका टेस्ट कभी कभी पंजेंसी देखने को मिलता है। चलिए, परसिस्टेंट कैलिक्स क्या होता है? सोलिनेसी फैमिली आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़ाया भी है हमने, तो उसमें जो कैलिक्स होता है वो परसिस्टेंट होता है। ठीक है, आपको मैंने सोलिनेसी फैमिली में बताया भी है। लेडी जो होता है, लेडी फिंगर भिंडी जिसको कहते हैं, उसका बॉटनिकल नेम आपसे पूछा गया है यहाँ पे, तो उसका बॉटनिकल नेम होता है अल्बे मुस्कस। ठीक है, मुस्कस स्कूलेंटस। ठीक है, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है। स्ट्रॉबेरी जो होता है वो रोजेसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, और यहाँ से हमें लगता है कि आपको रूटेसी फैमिली, रेनेटुलेसी फैमिली, माइट्रेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली, इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है। लगभग हमने 24 या 23 फैमिलीज के बारे में आपको पढ़ाया था थर्ड सेमेस्टर में। आपसे पूछा गया जो CAZRI होता है, यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो जोधपुर में स्थित है। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो शिमला में स्थित है। ठीक है, ठीक, ये सब चीज़ें याद करने की है। ठीक, इस पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता। आपसे पूछा है कि अगर हम लोग फ्रूट की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था, प्रोमोलॉजी। ठीक है, फ्रूटी यानी कि फ्रूट का, ठीक है, फ्रूटिलॉजी, और एक मैंने फ्रोलिकल्चर, तो फ्रूट का कल्टीवेशन करते हैं, इसमें फ्रूट का स्टडी करते हैं, इसमें फ्रूट का स्टडी करते हैं। ठीक है, फ्रूट का स्टडी इसमें करते हैं। ठीक, तो फ्रूट की स्टडी को हम लोग प्रोमोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़िए, विच इज नॉट कल्टीवेटेड वेराइटी ऑफ रोज। रोज का ऐसी वेराइटी बताइए जो कल्टीवेट नहीं की जाती। तो पूसा लेरमा। ठीक, चलिए, विच फ्लावर क्रॉप इज कॉमनली नोन एज क्वीन ऑफ बल्बस फ्रूट क्रॉप्स। तो ग्लैडियोलस एक फ्लावर है जिसको हम लोग क्वीन ऑफ बल्बस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, विच फाइटोक्रोप, सॉरी, फाइटो हार्मोन का मतलब क्या है? प्लांट हार्मोन, जो भी आपको बता मैंने, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिलेब्रिन, ठीक है, एब्सेसिक एसिड, ठीक है, और इथिलीन आपको बताया, इथिलीन आपको बताया, ये सब क्या है? ये सब फाइटो हार्मोन। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फाइटो हार्मोन यूज किया जाता है जो प्लांट के फ्लावरिंग के प्लांट के, ठीक है, तो जिबलिन जो होता है वो यूज किया जाता है प्लांट में लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट ऑफ कल्टीवेशन फ्लावरिंग प्लांट के लिए। ठीक है, जिलेब्रिन। सेल्फ लाइफ कट फ्लावर एंड वेजिटेबल कैन बी इंक्रीज्ड बाय द यूज, यानी कि जो फ्लावर होता है, ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फ्लावर, वेजिटेबल, ये सब यूज की जाती हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, साइटोकाइनिन ज़्यादा छिड़कते, ताकि जो साइटोकाइनिन होता है ना वो सूट डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा प्रमोट करता है, तो सूट डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है फ्लावर भी ज़्यादा लगेंगे और वेजिटेबल्स भी उतने ही बनेंगे। चलिए,
विच कॉमर्शियली कल्टिवेटेड वैरायटी ऑफ ग्लैडियोलस हैज रेड कलर फ्लावर, ठीक है, टू ब्लैक फ्रेंसेस। ग्रीन हाउस आर द टाइप ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल कल्टिवेशन, ठीक है। देखिए ग्रीन हाउस क्या होता है, साथ आपको पढ़ाया भी है हमने। ग्रीन हाउस में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली मीडियम बनाया जाता है एक प्लांट को सूटेबली कल्टिवेट करने के लिए। उसमें किसी भी फील्ड में प्लांट को हम लोग ऊपर से कवर कर देते हैं किसी ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन या फिर ग्लास के माध्यम से, ताकि सनलाइट आए और उस पर एक अच्छे और वहाँ का पूरा एरिया मेंटेन किया जाता है, सूटेबल टेम्परेचर पीए सारी चीज़ें मेंटेन की जाती है, उसको हम लोग ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं। तो इन्वायरमेंटल जो कंट्रोल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर टू मेंटेन द कंटिन्यूअस रोज फ्लावर प्रोडक्शन इन ग्रीन हाउस बिटवीन। देखिए जो रोज होता है वो थोड़े लो टेम्परेचर पे, यू कैन से 15 से 20, 22, 24 तक ठीक है, उससे नीचे 16, 15, 14 यहाँ तक का जो टेम्परेचर होता है वो रोज में फ्लावरिंग कल्टिवेशन के लिए, फ्लावरिंग के लिए, रोज के फ्लावर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउस होते हैं, ठीक है, उसमें इस प्रकार की सुविधा होती है कि आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या होती है, वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है लगभग 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 16 से 24 या 22 24 तक होता है कभी कभी किसी किसी बुक में, ठीक है, 16 से 24 या 15 से 24 दिया रहता है। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं, तो वहाँ पर डे काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लावर कराने की रोज़ का प्रोडक्शन होता है। आप लोग देखते हैं कि भाई ज़्यादा शादी ब्याह के माहौल में बहुत सारे रोज़ के फ्लावर देखने को मिलते हैं, तो कहाँ से इतने ज़्यादा फ्लावर आ जाते हैं, नॉर्मली हम लोग अपने घर पे लगाते हैं तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाते हैं, तो उसको ग्रीन हाउस में प्रोड्यूस किया जाता है ताकि ज़्यादा मात्रा में हो सके, तो उसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। चलिए कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ ग्रेडियोलस अकर्स थ्रू द कॉर्न, कॉर्न में यानी कि जो उसका फूला हुआ भाग होता है उसके द्वारा ज़्यादातर प्रोडक्शन किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट ऑफ फ्लोरिकल्चर इज ग्रोइंग एनुअली एट द रेट ऑफ 18-10%, ठीक है। चलिए ऑटम गोल्ड वैरायटी ऑफ ग्रेडियोलस ऑरेंज कलर फ्लावर, ग्रेडियोलस टेक हाउ मेनी डेज प्रोड्यूस स्पाइक। देखिए स्पाइक एक क्या एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि फ्लावर होता है, ठीक है, जो डंठा होता है उसको स्पाइक के नाम से जानते हैं, तो उस पर आगे जल्दी से फ्लावर लग जाता है, तो उसको बनने में लगभग 60 से 120 दिन लग जाते हैं। विच टाइप ऑफ टोमेटो वैरायटी कंटिन्यू ग्रो एंड गिव द फ्लावर फ्रूट एज लॉन्ग कंडीशन आर फेवरेबल। तो इंटरमीडिएट कंडीशन होता है, ठीक है, उसमें क्या इंटरमीडिएट जो कंडीशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक फ्लावर का प्रोडक्शन ये सब होता रहता है। विच इज नॉट कॉमर्शली इम्पॉर्टेंट फ्लोरिकल्चर क्रॉप, ठीक है, फ्लोरिकल्चर क्रॉप के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं आता है, ठीक है, बोगेनविलिया। अभी इसको बताया था हमने जो सीड टैग होता है वो किस कलर का होता है, फंडल वाइट कलर का होता है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग सॉइल इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स, अभी आपको हमने इसके बारे में भी बताया था, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है जिसमें हम लोग सॉइल के बिना ही प्लांट को कल्टीवेट करते हैं। अभी देखिए ये भी आपने क्वेश्चन रिपीटिंग हुआ है कि भाई हम लोग फ्लावर में स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, साइटोकाइनिन का, तो उसके कारण फ्लावर में जो सूट सिस्टम होता है वो ज़्यादा तेज डेवलप करता है, तो वेजिटेबल में फ्लावर में छिड़क देते हैं तो जो फ्लावर होता है या जो फ्रूट सब्जियां होती है उसके जो स्टेम होते हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। अब भाई ज़्यादा तेज़ी से जब स्टेम बढ़ेगा उसमें ज़्यादा मात्रा में फ्लावर भी तो लगेंगे, फ्रूट भी तो ज़्यादा मात्रा में लगेगा, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए विच इज़ द येलो कलर फ्लावर वेराइटी ऑफ ग्रेडियोलस, ग्रेडियोलस का लाल जो सॉरी हाँ येलो पीला कलर का फ्लावर ग्रेडियोलस का होता है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, तो गोल्डन हार्वेस्ट का नाम देते हैं।
वाइट कलर का जो होता है उसको कॉटन ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए क्या होता है, जैसे आसपास का वातावरण जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे कोई प्लांट है उसके बाहर क्या ह्यूमिडिटी है उसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि जो ग्रेडियोलस होता है, ग्रेडियोलस जो फ्लावर है उसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए, तो लगभग 70-80% होनी चाहिए, ठीक है। पीएच ऑफ सॉइल ऑफ ग्रेडियोलस कल्टीवेशन, जो ग्रेडियोलस प्लांट होता है उसमें जो पीएच होता है वो 5.5 से 6.5 तक यानी कि एसिडिक मीडियम का नेचर होता है। ग्रो द हैबिटेट ऑफ सन गोल्ड वेराइटी ऑफ टोमेटो, जो सन गोल्ड होता है वो भी इंटरमीडिएट वेराइटी होती है। चलिए, विच इज अर्ली ब्लूमर वेराइटी ऑफ लिली, तो एशियाटिक टाइप। विच इज, अब दिखाई पड़ रहा होगा थोड़ा, विच इज द अर्ली ब्लूमर वेराइटी ऑफ लिली, ठीक है। ये क्या है आपका अर्ली ब्लूमर वेराइटी ऑफ लिली है, ठीक है। और फिर आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज अर्ली ब्लूमर वेराइटी ऑफ लिली, ठीक है। तो इसके दो तीन वेराइटी का नाम दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग भी हो गई क्या, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्रॉप्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एडवर्स कंडीशन लाइक कोल्ड, विंड, स्टॉर्म, रेन, फॉरेस्ट डैमेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस। देखिए, जो ग्रीन हाउस होता है वहाँ पे हम लोगों को टेम्परेचर, विंड, रेन, फॉरेस्ट डैमेज सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, एडवर्स कंडीशन देना पड़ता है जो वातावरण का होता है, किसमें देते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस में। चलिए, विच इज़ द वेराइटी टाइप ऑफ लिली, तो मार्को पोलो, ऑन द बेसिस ऑफ हाई इंटेंसिटी रिक्वायरमेंट रोज इज हेलोफाइट। चलिए, हेलोफाइट यानी कि ज़्यादातर क्या होते हैं वो सूखे में भी ग्रो करते हैं और आपके ज़्यादा वाटर में भी। वेस्ट प्लांटिंग टाइम ऑफ द रोज कल्टीवेशन, सॉरी, बेस्ट प्लांटिंग यानी कि सबसे अच्छा समय कौन सा होता है रोज को लगाने का, तो मई से जून का महीना होता है। बोटनिकल नेम ऑफ बीटर गार्ड, बीटर गार्ड का बोटनिकल नेम क्या होता है, ठीक है, तो मोरबोडिका, ठीक है, मोरबोडिका कैरेंटिका, ठीक है, चारंटिया जिसको भी हम लोग, जो भी आप लोग पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स हैज परसिस्टेंट कैलिक्स, अभी आपको बताया अभी था हमने, सोलेनम मेलन जीरा। बॉटनिकल नेम ऑफ कीवी फ्रूट, कीवी फल का नाम लोग सुनते हैं उसका बॉटनिकल नेम क्या क्या होता है, तो एक्ट इंडिया, ठीक है, एक्ट इंडिया, ठीक है, एक्ट इंडिया डेली ओसियस, ठीक है, या फिर डेली ओसा, ठीक है। विच इज नॉट वेराइटी ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी की एक किस्म से कौन सी वेराइटी नहीं है, तो इलाइट। स्ट्रॉबेरी कॉमर्सी प्रोपोगेटेड बाई रनर। विच इज एंटी ऑक्सीडेंट रिच वेराइटी ऑफ पोटैटो, पोटैटो की जो कुफरी नीलकंद है वो क्या है, वो एक एंटी ऑक्सीडेंट वेराइटी है। बल्ब ऑफ ओनियन इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट सिस्टम, ठीक है। द कर्व इनिशिएशन ऑफ कॉलीफ्लावर आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन टेक्स प्लेस, जो कर्व होता है जिसमें ऐसे से गुच्छे बनते हैं, ठीक है, ऐसे जो बन जाते हैं गोला सा पार्ट, वो कब बनता है, तो 30 से 45 दिन के बाद बनते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी वैरायटी है टोमेटो की जो पॉली हाउस कल्टीवेशन के लिए यूज करती है, तो इंटरमीडिएट। अरोमा एक टोमेटो की इंटरमीडिएट वैरायटी नहीं है। आजाद क्रांति
आज़ाद क्रांति ब्रिंजल की एक वैरायटी है। द फॉरेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो क्या है? कर्लिल सीटमन। सेंट्रल CPRI आपसे पूछा गया है तो अभी आपको बताया था, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। विच इज वैरायटी ऑफ हाईली सस्टेबिलिटी टू लेट ब्लाइट? तो कुफरी, क्या लिखा गया ये? पुखराज, ठीक है, चलिए कुफरी, ठीक है। कांद्रमुखी इज वैरायटी ऑफ पोटैटो। अर्का मालनिक इज ए ट्राइप डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी वाटरमेलन। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द फ्लावर साइज? जेरेमियम। जेरेमियम जो फ्लावर होता है उसकी साइज जो बढ़ती है किसके द्वारा? तो जिलिब्रिक एसिड के द्वारा, क्योंकि प्लांट फाइटो हार्मोन के अंतर्गत आता है। विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली? देखिए जो काटन होता है वो पोएसी फैमिली का नहीं होता है, मेज भी रोजेसी फैमिली का नहीं है, ग्राम चना भी रोजेसी फैमिली का नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टेरेसी फैमिली वो फ्लावर की, सनफ्लावर की आती है। फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावर टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब स्पर्म और एग आपस में जुड़ते हैं। चलिए द फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म से क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट, प्लांट को लाइट कितना टाइम मिल रहा है उसको हम लोग फोटो पीरियड के नाम से जानते हैं। तो फोटो पीरियडिज्म होता है वो काफ़ी कई प्रकार से होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, मिड डे प्लांट, तो अलग अलग तरीके से होते हैं। हैंगिंग बास्केट इज द पार्ट ऑफ गार्डन, इंडोर गार्डन, किचन गार्डन। हैंगिंग बास्केट क्या होता है? हैंगिंग बास्केट का मतलब ये है जैसे एक छोटा सा टोकरी बना ले, ठीक है, या कोई छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा ले ले, कोई भी चीज़ ले ले, उसमें आप फ्लावर लगा दे और फ्लावर लगाने के बाद उसको कहीं टांग दे, ठीक है, तो वो बास्केट हो गया। और उसमें क्या करे, वो झूलता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये एक छोटी सी आपने कोई बॉटल ले लिया, इसमें को आपने ऐसे ऊपर एक स्टैंड बना दिया पकड़ने का, आपने उसको कहीं भी लगा सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन में, इंडोर गार्डन में, किचन में, तो क्या है, बास्केट पार्ट, बास्केट गार्डन। परिजात इज द वैरायटी ऑफ ट्यूबरोस। स्केंटर वैरायटी ऑफ रोज, तो ब्लू मून, डबल लाइट, हनी परफ्यूम, सब कुछ है। चाइना एस्टर प्रोपेगेटेड बाई स्टेम कटिंग। जो चाइना एस्टर होता है, ठीक है, वो किसके स्टेम के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है? टोपाइडी क्या है? हेज के बारे में आपसे पूछा गया है, तो टोपाइडी क्या होता है आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया भी है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं प्लेलिस्ट, अगर आपने PSC 4 सेमेस्टर का नहीं देखा है तो हम लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने से आप उसको आंसर को कर जाएंगे। आपसे पूछा जो ग्रेडियोलस होता है, ग्रेडियोलस में जो बल्ब पाया जाता है, बल्ब यानी जो फूला हुआ पार्ट होता है वो कितना होता है? तो 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। श्री गणेश गोल इज वैरायटी ऑफ कैबेज। खरीफ सीजन वेजिटेबल ग्रो इन फरवरी टू जनवरी। खरीफ सीजन कब तक रहता है? तो फरवरी से स्टार्ट होता है, जून तक रहता है, ठीक है। विच इज द नॉट द सोलेना सीएस वेजिटेबल? तो ब्रिंजल। बॉटनिकल नेम आप तोरजी, तो तोरी, ठीक है, तोरी, तो लूफा सालेंड्रिका। बॉटनिकल नेम आप बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड का अभी शायद बताया भी था हमने वहाँ पे, ठीक है, तो लेजिनेरिया साइसर, ठीक है, साइसर एरिया, ठीक है। मिनरल्स एंड वाटर इन हाइड्रोपोनिक प्लांट इज आर एब्जॉर्ब बाई। जो सॉइललेस कल्टीवेशन होता है उसमें जो सॉइल और मिनरल्स होता है प्लांट किसके द्वारा, प्लांट
एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो आउटर लेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। द न्यूट्रिएंट कल्चर सॉल्यूशन फॉर हाइड्रोपोनिक कल्चर वाज फर्स्ट टाइम डेवलप्ड बाय नूप विच ऑफ दीज प्लांट्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर कल्टीवेशन थ्रू द हाइड्रोपोनिक्स। तो कौन से प्लांट को आप हाइड्रोपोनिक की सहायता से नहीं ग्रो करा सकते, तो गाजर को, क्योंकि गाजर अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है, और जो ये टोमेटो होता है ऊपर की तरफ मूव करता है, हनी जो मनी प्लांट होता है, स्ट्रॉबेरीज होती है, वो ऊपर की तरफ मूवमेंट उसका होता है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट जो होगा, यानी कि यूनिट नंबर 4, उसके बारे में हम लोग कल की क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। साथ यहाँ पे IBR वगैरह ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में आपको समझना होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अब आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हुए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा। स्टूडेंट आपसे एक ही है कि आप लोग प्लेलिस्ट जो है BSc 4 सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है एक बार आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस भी वही आपका सेम ही है, ऑप्शनल क्वेश्चन भी, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से बताए हैं, IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, ट्रिप्स क्या है, ठीक है, ये सब सारी, WTO क्या है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, TIFAC के बारे में अच्छे से आपको बताया है, ठीक है, NRDC के बारे में सब कुछ लगभग आप देख लेंगे। प्लेलिस्ट जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। कितने लोग कवर कर चुके हैं प्लेलिस्ट को एक बार कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए यूनिट के साथ।